हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है गजकेसी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे अर्धवायवी तने के बारे में। इससे पहले सेशन में हमने आपको बताया था, हमने पढ़ा था आप तनों द्वारा कायजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला जो पॉइंट था वो था भूमिगत तनों के बारे में, जो भूमि के अंदर तने होते हैं और भोजन को एकत्र करके फूल जाते हैं, खाने योग्य बन जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। जैसे कि कंद पढ़ा था आलू, प्रकंद पढ़ा था हमने हल्दी अदरक, और घनकंद पढ़ा था अरवी जमीकंद और केसर। इसके अलावा चौथा नंबर पढ़ा था शलकंद। तो हमने कंद, प्रकंद, घनकंद और शलकंद के बारे में पढ़ा था। शलकंद का उदाहरण था लहसुन आदि। और आज हम पढ़ेंगे अर्धवायवीय तने के बारे में। दूसरा हेडिंग अर्धवायवीय तने, पहला था तनों द्वारा, पहला था भूमिगत तने, अब दूसरा हेडिंग है अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने जो होते हैं वो ऐसे तने होते हैं जो भूमि के समानांतर गति करते हैं, भूमि के समानांतर गति करते हैं, और कुछ भाग उनका भूमि के ऊपर होता, कुछ भाग उसका वायु हवा में होता है, वायु में होता है, और उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में जाती हैं। जैसे कि ये किन्हें कहते हैं ऊपरी, ऐसे ये भूमि के समानांतर गति करते हैं, क्षैतिज गति करते हैं, और इनमें पर्वसंधियाँ होती हैं, और पर्व होते हैं और पर्वसंधियाँ होती हैं। पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं और प्ररोह, प्ररोह अर्थात शाखा, प्ररोह निकलती है, जड़ें निकलती हैं और प्ररोह निकलती हैं। जड़ और प्ररोह निकलने से जड़ तो ज़मीन में चली जाती हैं, और प्ररोह जो ऊपर की तरफ वृद्धि करके नए पौधे को जन्म देता है। ये चार प्रकार के होते हैं अर्धवायवीय तने, चार प्रकार के होते हैं। एक ऊपरी भूस्तारी रनर जिन्हें कहते हैं, दूसरा भूस्तारी का ऑफसेट कहते हैं इन्हें, तीसरा अंतः भूस्तारी शकर कहते हैं इन्हें, और चौथा होता है भूस्तारी स्टोलोन कहते हैं इन्हें। ऊपरी भूस्तारी जो है इसका एग्जाम्पल है दूब घास, खट्टी बूटी और सेंटेला। दूब घास तो आप लोगों ने देखी ही होगी, जैसे कि दूब घास में क्या होता है कि जगह जगह पर ये जड़ों द्वारा पृथ्वी में जगह धंसी रहती हैं, और उसका जो क्षैतिज समानांतर जो तना होता है, जो भाग होता है वो तने का, वो ऊपर की तरफ दिखता रहता है। तो ऊपरी भूस्तारी तने में क्या होता है, धूप घास आती है, खट्टी बूटी आती है, सेंटेला आती है। तो ये हमने डायग्राम जो बनाया है ये खट्टी बूटी का बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ऊपरी भूस्तारी, ये बहुत ही दुर्बल तने होते हैं, बहुत ही दुर्बल तने होते हैं, और ये भूमि के समानांतर गति करते हैं। इनकी ये वाला जो भाग है ये इंटरनोड कहलाता है। इंटरनोड वाला भाग जो है वो भूमि के साथ साथ गति करता रहता है, और जो नोड वाला जो भाग होता है वहाँ से जड़ें नीचे की तरफ ज़मीन में चली जाती हैं, और प्ररोह निकलता है, शाखा निकलती है, जो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। और प्रत्येक शाखा से नया पौधा बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है दूसरा आता है भूस्तारी का ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है कि ये जो है जलोद्भिद होते हैं, समुद्र सूख इसका उदाहरण है और पिष्टिया इसका उदाहरण। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, समुद्र सूख और पिष्टिया। तो ये समुद्र सूख का उदाहरण दिया हुआ, समुद्र सूख का चित्र बनाया हुआ है इस डायग्राम में। इन्होंने इसमें देखो कि ये पानी जो है पानी के लेवल के साथ साथ क्षैतिज गति करता है इसका तना, और जहाँ पर इंटरनोड गति करता है, और जहाँ नोड वाला भाग होता है वहाँ से नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं जो पानी में चली जाती हैं, और ऊपर की तरफ सीधे सीधे पत्तियाँ निकलती हैं जो हवा से भरी हुई होती हैं, मोटी मोटी फूली हुई होती हैं, हवा से भरी हुई होती हैं, और ये ऊपर की तरफ रहती हैं, पत्तियाँ ऊपर की तरफ रहती हैं पानी से, जो हवा जिसमें हवा भरी होती है, और नीचे की तरफ उसी स्थान से नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं। और ऐसे दो नोड्स के बीच की भाग को इंटरनोड्स कहते हैं, जिसे ऑफसेट भी कहते हैं, ऑफसेट वाला भूस्तारिका कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया समुद्र सूख और पिष्टिया। तो ये किसके उदाहरण है, ये जलोद्भिद पौधों के उदाहरण। जलोद्भिद पौधे वो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जलोद्भिद पौधों के उदाहरण हैं ये भूस्तारिका। अगला आता है तीसरा अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी का मतलब जो होता है सकर्स, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं सकर्स। उदाहरण होते हैं इनके गुलदाउदी और पुदीना, ये अंतः भूस्तारी होते हैं। ये किस पर होते हैं, ये ज़मीन में ही होते हैं, ये पानी में नहीं होते, ये ज़मीन में ही होते हैं।
तो ये जमीन में क्या कैसे किस प्रकार बढ़ते हैं कि जो मदर पौधा है, जो जो पेरेंट पौधा है, मदर पौधा है, उस पौधे के जो भूमि है, भूमि से ठीक नीचे कुछ नीचे पर शाखाएं निकलती हैं। कैसी शाखाएं होती हैं? क्षैतिज, क्षैतिज शाखाएं निकलती हैं, हॉरिजॉन्टल शाखाएं निकलती हैं। ये हॉरिजॉन्टल शाखाएं कुछ दूर तक आगे बढ़ती हैं, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ ज़मीन से बाहर निकले आती हैं और वहाँ फिर पौधे का निर्माण करती हैं। और जहाँ से ये पौधे का निर्माण करती हैं उसी स्थान पर जड़ें भी निकलने लगती हैं, ज़मीन के अंदर जड़ें निकलने लगती हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है इसमें कि जब ये जड़ें अच्छी तरह से निकल आती हैं तब क्या होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो भाग है, इंटरनोड वाला हॉरिजॉन्टल जो भाग है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, अलग हो जाता है, इससे ये कमज़ोर पड़ जाता है और ये मेन मदर प्लांट से, जो मेन पौधा है उस पौधे से ये अलग हो जाता है, जिस कारण क्या है कि ये नया पौधा बन जाता है, इधर ऐसी इधर नया पौधा बन जाता है। तो मदर जो पौधा जो है, जो मुख्य प्लांट है, मुख्य पौधा है, मुख्य पौधे से हॉरिजॉन्टल शाखाएं निकलती हैं, ये हॉरिजॉन्टल शाखाओं से नए नए प्लांट सकर्स बनते हैं, नए नए प्लांट्स बनते हैं और नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं। कुछ समय पश्चात ये हॉरिजॉन्टल प्लांट, ये समानांतर भूमि के समानांतर जो प्लांट है, शाखाएँ हैं, ये शाखाएँ नष्ट हो जाती हैं और नया पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के जो पौधा बनता है, इस प्रकार का पौधा ना पुदीना में होता है और गुलदाउदी में होता है। ये उदाहरण जो है वो भू अंता भू स्तारी का है। अंता माने अंदर की तरफ, भू माने जमीन, स्तारी मतलब वृद्धि करना, जमीन के भीतर भीतर जो वृद्धि करता है वो अंता भू स्तारी कहलाता है। ठीक है, ये होता है आपका अंता भू स्तारी। इसके बाद आता है भू स्तारी, इसके बाद आता है भू स्तारी, अगला आता है भू स्तारी, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोलोन। और इसका उदाहरण होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में इस तरह का होता है कि जो पौधा होता है, मुख्य पौधा जो होता है, उसे जड़ें नीचे निकलती हैं और एक साथ शाखाएं निकलती हैं और शाखाएं सभी दिशाओं में वृद्धि करती हैं, इधर भी वृद्धि कर रही है, इधर भी वृद्धि कर रही है, सभी तरफ वृद्धि करती है। एक मुख्य शाखा जो होती है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ वृद्धि करती है और फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ झुक जाती है। झुकने के पश्चात जहाँ पर जमीन से छूती है वहाँ पर जड़ें निकलती हैं और वहीं से फिर नया पौधा निकलने लगता है। इस प्रकार का जो होता है जो सिस्टम है, ये कम मुख्य पौधा जमीन में वृद्धि करता है, कई सारी शाखाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं, जड़ें जमीन के अंदर निकलती हैं और एक मुख्य शाखा बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है और वृद्धि करती हुई फिर नीचे की तरफ झुक जाती है। झुक जहाँ पर पृथ्वी पर जमीन पर जहाँ पर ये मिल छूती है वहीं से फिर जड़ें निकलती हैं और वहाँ से फिर नया पौधा निकल आता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, इस प्रकार को भूस्तारी कहते हैं, इस प्रकार के तरीके को भूस्तारी कहते हैं। तो इस प्रकार अर्धवायवीय तना जो हमने आज पढ़ा वो चार प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट आता है जड़द्वारा कायिक प्रजनन, जड़द्वारा कायिक जनन। तो जड़द्वारा मतलब जड़ के माध्यम से नए पौधे का निर्माण कैसे होगा, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? शकरकंद है, शतावर है, डहेलिया है, मुर्राया है, बीजिया है और शीशम है। ये सारे के सारे जो हैं वो जड़ से ही नए पौधे का जन्म होता है इनमें। जैसे कि शीशम का आप डायग्राम देख भी रहे हैं, तो इन पौधों में क्या होता है कि अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नए पौधे का निर्माण करती हैं। यहाँ से जैसे ये जड़ है तो जड़ से अपस्थानिक कलिकाएं नीचे की तरफ निकलेंगी और ऊपर की तरफ नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। जड़ से ही निकलना शुरू हो जाता है नया पौधा। जो पुरानी जड़ है उस पुरानी जड़ से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और ऊपर की तरफ नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि शीशम में आप देख रहे हैं। शकरकंद में भी जैसे कि जो जड़ है, शकरकंद है, शकरकंद एक जड़ी है, उससे भी नए पौधे का निर्माण हो रहा है। अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं और ऊपर की तरफ जड़ नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही डहेलिया में देखिए, डहेलिया में जो पुरानी जड़ है इस पुरानी जड़ से नई जड़ें निकल रही हैं और नई जड़ों के ठीक ऊपर से नया पौधा निकल रहा है। तो ये है डहेलिया। कुछ काष्ठीय पौधे होते हैं जैसे कि मुर्राया, कुछ काष्ठीय पौधे मतलब जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं, मुर्राया है, एलवीजिया है और शीशम है। इनमें से क्या होता है, प्ररोह से निकलता है इनका, जो शीशम जो होता है इनके प्ररोह से भी नया पौधे का जन्म हो जाता है। आदि नए प्ररोह से नहीं, जड़ से द्वारा ही कायिक जनन हो रहा है। तो जड़ के तो शीशम जो है वो
काष्ठीय पौधा है, जबकि शकरकंद और डहलिया क्या है, ये शाकीय पौधे हैं। तो इन शाकीय पौधों की जड़ों से भी नए पौधे निकल रहे हैं और नई जड़ें निकल रही हैं, और वो काष्ठीय पौधा है शीशम, उसके भी की जड़ से भी नए अवस्थानिक जड़ें निकल रही हैं और उसी स्थान से नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं आगे, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। हम आगे पढ़ेंगे पत्तियों द्वारा कायिक जनन, इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, जड़ द्वारा कायिक जनन तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पत्तियों द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे और बुलबुल द्वारा कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और कृत्रिम कायिक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें अगर आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस हमारे सेशन को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ये आज दो चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी, एक जड़ द्वारा कायिक जनन पढ़ा दिया और दूसरा भूस्तारिक, मतलब जो 36 पौधे होते हैं, 36 गति करते हैं पौधे, उनके बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का जो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, और इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें।